हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल्फा लर्निंग। आज हम फ्लूड मैकेनिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर वन पढ़ रहे थे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड। उसमें हमने लेक्चर वन देख लिया था, आज हम लेक्चर टू पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चर वन में हमने क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर वन में सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन फ्लूड मैकेनिक्स का, कि फ्लूड क्या होता है, उसके बाद फ्लूड मैकेनिक्स क्या होता है, एंड उसके बाद हमने देखा था अपना जो फ्लूड है और जो अपना सॉलिड है उनमें क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, और उसके बाद अपने कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम देखा था, एंड आफ्टर दैट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड स्टार्ट किया था। उसमें हमने डेंसिटी को पढ़ लिया था। ठीक है, तो डेंसिटी को पढ़ने के बाद हमने देखा था कि अपना जो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ डेंसिटी में क्या वेरिएशन होता है लिक्विड और गैसेज में। तो लिक्विड के केसेज में हमने देखा था कि अपनी जो डेंसिटी है वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करती है, तो अपन उसको कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पर अपना गैसेज में क्या आया था, गैसेज में अपना आइडियल गैस लॉ से हमारा क्या आया था, पी इक्वल टू रो आर टी, और वहां से हमने देखा था कि अगर अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो अपना रो भी बढ़ेगा, क्योंकि रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बोला था हमने। और वहीं पे अगर अपन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो अपनी डेंसिटी थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थी, क्योंकि पी इज इक्वल टू रो आर टी, हम देख सकते हैं कि रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से हमने देखा था कि अपना जो गैसेज में है वो अपनी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम इस लेक्चर टू में मेनली देखेंगे कुछ और फ्लूड की प्रॉपर्टीज, जैसे अपना स्पेसिफिक वेट हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, एंड उसके बाद हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी। तो इन चार फ्लूड प्रॉपर्टीज पे है आज अपना फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है अपना स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट को अपन वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे अपना डेंसिटी था तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट ऑफ फ्लूड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे अपना डेंसिटी क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम था, तो इसमें स्पेसिफिक वेट क्या है, सिंपल है, वेट ऑफ फ्लूड पर यूनिट वॉल्यूम। तो गामा क्या हो गया, अपना वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट क्या होता है, मास इंटू एम इंटू जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। जैसे अपना मास और वेट रिलेटेड होता है एक दूसरे से आपस में, उसी हिसाब से अपना स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी रिलेटेड होता है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं इसमें, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अगर मैं देखूं, अगर मेरा एम बाई वी क्या हो जाएगा, मेरा एम बाई वी मेरा रो हो जाएगा क्या, तो इस गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू जी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि अपना जैसे मास और वेट रिलेटेड होता है, उसी हिसाब से अपना स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या आ जाएगी मेरी, वेट की यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन जनरली अपन देखते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सब सिंपल है, ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला टर्म आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम के डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूड इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए यूनिट मास ऑफ फ्लूड। तो अगर अपना मास ऑफ फ्लूड यूनिट है, तो उसके क्रॉस में वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उस वॉल्यूम को ही हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो मेरा क्या था, हमने क्या देखा था, रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और अगर मैं मास को यूनिट ले लेता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 1 बाय वी आ जाएगा, रो इज इक्वल टू 1 बाय वी। तो अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम की एक्सप्रेशन निकालूँ, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की एक्सप्रेशन क्या आएगी, 1 बाई रो आ जाएगी क्या, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रो, 1 बाई डेंसिटी। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ वहीं पे, तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट अपनी डेंसिटी की, यूनिट की रिवर्स यूनिट आ जाएगी, डेंसिटी यूनिट क्या आती है अपनी, केजी पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो अपना स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम सबको क्लियर है। उसके बाद अपना नेक्स्ट फ्लूड प्रॉपर्टी आता है, फोर्थ फ्लूड प्रॉपर्टी आता है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी आपने सब जगह पढ़ रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कि अपना जो फ्लूड का डेंसिटी है और जो अपना स्टैंडर्ड फ्लूड का डेंसिटी है, उन दोनों का रेशियो होता है, उसको हम स्पेसिफिक डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से डिनोट करते हैं, और एस का अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूड डिवाइड बाई रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। ठीक है, अब स्पेसिफिक देखो, ये मेरा डेफिनेशन हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। दोनों का रेशियो होगा, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर अपन दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर अपना एक मैं फिक्स दोनों दो कंटेनर लेता हूँ, और दोनों कंटेनर का वॉल्यूम मेरा सेम है, ठीक है,
और एक कंटेनर को मैं पूरा फुल कर लेता हूँ बाई स्टैंडर्ड वेट स्टैंडर्ड फ्लूड एंड दूसरे से मैं करता हूँ जिसकी अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी है। दूसरे कंटेनर में मैं अपना वो फ्लूड डाल दूंगा जिसकी मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी है, ठीक है। और फिर मैं दोनों जो कंटेनर है उन दोनों कंटेनर का मैं मास मेजर कर लूंगा। तो अगर मेरा वॉल्यूम सेम है तो अगर मैं उन दोनों मास के रेशियो को देखूंगा तो मास का रेशियो मेरे को क्या देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन मैंने क्या बोली, रो ऑफ फ्लूड डिवाइड बाई रो ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है। अगर अपन रो ऑफ फ्लूड को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ फ्लूड डिवाइड बाई वी वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम में वी रख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड डिवाइड बाई वॉल्यूम वी, तो अगर वी से वी कट जाएगा ये तो मेरा क्या आ जाएगा, मास ऑफ फ्लूड डिवाइड बाई मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा कि इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस टू द मास ऑफ ए रेफरेंस सब्सटेंस फॉर द सेम गिवन वॉल्यूम, ठीक है। सेम वॉल्यूम के लिए दोनों का क्या रेशियो होगा उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सबको क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फ्लूड की तो मेरा जो स्टैंडर्ड फ्लूड है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिक्विड के लिए बात करूं, फॉर लिक्विड हम क्या लेते हैं, जनरली वाटर लेते हैं क्या। फॉर लिक्विड अपना जो स्टैंडर्ड फ्लूड है वो H2 होता है 8 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और उस केस में अपन कितना लेते हैं, रो ऑफ वाटर कितना ले लेते हैं, 998 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं फॉर गैस में अपना जो स्टैंडर्ड फ्लूड है वो क्या हो सकता है, या तो अपन एयर लेते हैं और या अपन एयर लेते हैं या फिर H2 गैस लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, एयर और हाइड्रोजन। तो गैस के रेस्पेक्ट में अपना ये चीज फिक्स नहीं है कि अपन एयर ले या फिर हाइड्रोजन ले। तो जब भी क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस दे रखी होगी तो उसके साथ अपने को मेंशन करना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में लिया है, एयर के रेस्पेक्ट में लिया है या फिर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिया है, तो ये मेंशन करना जरूरी है। अगर मैं एयर की डेंसिटी की बात करता हूँ, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.205 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो गैस के रेस्पेक्ट में अगर अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो अपने क्वेश्चन में ये मेंशन होना बहुत जरूरी है कि अपना जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है विद रिस्पेक्ट टू एयर है या फिर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, ये मेंशन करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद एक अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, चारों प्रॉपर्टी जो अपन ने अभी तक पढ़ी है उन चारों पे अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, कुछ इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है कि अपने को क्या दे रखा है, 3 लीटर ऑफ पेट्रोल का वेट है वो 23.7 न्यूटन है, ठीक है। अब अपने को मास डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। तो एक एक करके सब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अगर देखें तो अपना, अगर मैं बात करूं मास डेंसिटी की तो मास डेंसिटी मेरा क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब मास अपने को क्या, अपने को वेट दे रखा है यहाँ पे, तो वेट से अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो मेरा क्या करूँगा, मैं जी से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं 23.7 को 9.81 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इसको अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, वॉल्यूम आ गया मेरा 3 लीटर, तो यहाँ से मेरी क्या मास डेंसिटी आ जाएगी क्या। तो मास डेंसिटी अगर मैं निकालता हूँ कितनी आएगी, 23.7 डिवाइड बाई 9.81 डिवाइड बाई 3, मेरी आ गई 0.805 केजी पर लीटर, ठीक है। क्योंकि ये 3 है अपना, लीटर में दे रखा है। अगर इसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या, मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी जो मास डेंसिटी है वो 805 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक वेट की, स्पेसिफिक वेट मेरा क्या होता था, स्पेसिफिक वेट मेरा वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम होता था, डब्ल्यू डिवाइड बाई वी। अब मेरे को वेट दे रखा है 23.7 डिवाइड बाई वॉल्यूम है मेरा 3, तो इस वॉल्यूम है मेरा 3, ठीक है। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आता है 7.9 न्यूटन पर लीटर। और अगर इसको मैं जो जनरल अपनी यूनिट यूज करते हैं स्पेसिफिक वेट की, वो यूज करते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर इसमें न्यूटन पर लीटर को मैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, मैं 1000 से डिवाइड करूँगा और 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी,
तो ये आ जाती है 7.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप पहले खुद से सोल्व करिए अपने 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 हिसाब से, फिर आंसर चेक कीजिए, तो अपन आपने कहाँ मिस्टेक की है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, उससे आपका कंसेप्ट लर्निंग है वो बहुत फास्ट होगा, अदरवाइज आप मेरे साथ करोगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। कई लोग अभी ऐसे बैठ रहे होंगे सीधा वीडियो देख रहे हैं कि हमारे वीडियो देखने से सीख जाएंगे, अगर आप इनको नोट्स को नोट नहीं कर रहे हो या फिर कहीं पे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हो तो आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप अपने नोट्स भी बनाइए और क्वेश्चन को साथ साथ में खुद से सोल्व भी कीजिए। ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता था मेरा, 1/ρ कि एक यूनिट मास के लिए अपने को कितना वॉल्यूम चाहिए होगा उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूँ तो 1/ρ कितना आ जाएगा, 1/805। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा आता है 1.242 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, और लास्ट है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता था अपना, अपना मास डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। अपना मास डेंसिटी क्या है, 805 और डिवाइड बाय 998। अगर मैं यहां से निकालता हूं तो मेरा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.807 आती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, और अगर इनके मैं सिंबल्स देख लूं तो मास डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं गामा से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर ही, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस जो चारों प्रॉपर्टी पड़ी थी उसका एक एप्लीकेशन था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपन प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन देखूं तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है अपनी, compressibility of any substance is the measure of its change in volume or density under the action of external forces। तो अब क्या होता है कि जब external forces लगते हैं तो जो substance है उसमें volume change कितना हो रहा है, फिर density में change कितना हो रहा है, उस change को measure करना ही compressibility कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं compressibility क्या होता है, compressibility अपने एक strength of material में यंग bulk modulus पढ़ा था, उस bulk modulus का ये compressibility वो inverse होता है। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करूं तो मेरा ये इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। तो अगर मैं बोल सकता हूं कि बीटा इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, और ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सबने आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था। तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बल्क मॉडुलस के क्या क्या डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि के इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। ये वी आप इस वेलोसिटी और वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं हो तो इसलिए मैं वॉल्यूम को इस ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और एक आता है साथ में माइनस साइन और डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन दिया था जब आपने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक्सप्रेस किया था। ठीक है, तो अगर मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, मेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या डेफिनेशन होगा, अगर मैं कुछ प्रेशर चेंज करता हूं तो उस प्रेशर चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ अपना वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो उन दोनों का रेशियो है जो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी, उनका रेशियो है उसको हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि जब अपन अगर अपना डेल्टा पी आएगा कुछ अपन प्रेशर में इंक्रीमेंट करेंगे, अगर डेल्टा पी इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस प्रेशर चेंज के कारण क्या हो रहा, वॉल्यूम कम होगा, तो जो डेल्टा वी आएगा वो नेगेटिव आएगा हमेशा। ठीक है, तो अगर डेल्टा पी बढ़ रहा है तो डेल्टा वी कम हो रहा है, दैट मीन्स अपना साइन दोनों का अपोजिट होगा, और दोनों साइन अपोजिट है तो उस साइन को अपने को पॉजिटिव करने के लिए, उस क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए अपन ने ये नेगेटिव साइन इंड्यूस किया है। तो ये नेगेटिव साइन का आपको फंडा समझ में आ गया कि अपन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इस नेगेटिव साइन का इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो अगर मैं बीटा का एक्सप्रेशन यहां से देखूंगा क्या आएगा मेरा बीटा का एक्सप्रेशन 1/k, तो 1/k तो आ जाएगा मेरा डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा पी। ठीक है, ये मेरा बीटा का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है। तो अगर मैं, अब कई बार क्या होता है कि अपना जो ये वॉल्यूम है उसके रेस्पेक्ट उसके कंपैरिजन में अपना जो डेंसिटी में डील करना ज्यादा इजी रहता है, तो अगर अपन डेंसिटी में अगर इसका बल्क मॉडुलस या फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी का एक्सप्रेशन निकालना चाहे तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का एक्सप्रेशन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो देखो, अगर आपने पढ़ा था कि मास क्या होता है, मास क्या होता है, फॉर ए गिवन मास रो इनटू वी होता है मास। ठीक है, एंड अगर मैं फॉर गिवन मास बोलता हूँ तो मास को कॉन्स्टेंट कर दूंगा मैं। अगर यहां से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ प्रोडक्ट रूल लगा के, तो क्या आएगा मेरा डी रो इंटू वी
प्लस रो इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर मैं एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस वी रो बाई रो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में अगर जो मेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर जो कंप्रेसिबिलिटी एक्सप्रेशन था उसमें अगर पुट कर देता हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आता है, देखते हैं। मैं बल्क मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन में करता हूँ कि माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा रो बाई रो। ठीक है, और ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा रो बाई रो। अब ये यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं आ रहा है कि जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो अपनी डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो डेल्टा पी और डेल्टा रो है वो क्या होगा, सेम साइन के होंगे, तो डेल्टा पी और डेल्टा रो सेम साइन के है, इसलिए अपना के का साइन है इस केस में, अपना कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर इसी को मैं अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डिफरेंशियल फॉर्म में मेरा क्या आ जाएगा, रो इंटू डी पी बाई डी रो। ठीक है, तो ये मेरा के का एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं से बीटा का एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ तो मेरा बीटा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वन बाई रो डी रो बाई डी पी, ये मेरा बीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वाटर के लिए बात करूँ, मेरा वाटर के लिए अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूँ तो वाटर के लिए मेरा बल्क मॉडुलस होता है वो 2 इंटू 10 टू पावर 6 होता है, और उसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट ऑब्वियसली प्रेशर की यूनिट होगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, प्रेशर की यूनिट होगी क्योंकि डेल्टा रो बाई रो की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस होगा, तो अपना जो बल्क मॉडुलस का यूनिट है वो प्रेशर का यूनिट ही रहेगा फॉर वाटर। और अगर वहीं पे मैं बात करूं एयर की, तो एयर में मेरा जो की है वो कितना रहेगा, 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एयर। तो अगर इन दोनों से मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मेरा जो वाटर है, जो एयर है मेरी, वो वाटर से कितनी ज्यादा कंप्रेसिबल है, अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालता हूं तो ऑलमोस्ट आता है मेरा 20,000। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो अपनी एयर है वो वाटर से 20,000 टाइम्स ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो अपना कितना अप्रोक्स 20,000 आएगा, एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन वाटर बाय 20,000 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं यहां से वाटर के लिए अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी निकालूं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 10 टू पावर 6, एंड अगर मैं एयर के लिए बल्क मॉडुलस निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/101। तो मैं यहां से देखूंगा जो मेरा वाटर का कंप्रेसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है, एंड जो एयर का है वो वाटर के कंप्रेसिबिलिटी से 20,000 टाइम्स ज्यादा है। तो वहां से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो मेरी एयर है वो वाटर से 20,000 टाइम्स ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो अब अगर अपने को पता करना है कि एक अपना जो फ्लूड है वो कंप्रेसिबल है इनकंप्रेसिबल है, वो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये चीज कभी भी आपके उस फ्लूड पे डिपेंड नहीं करेगी कि अपना ये फ्लूड है पर्टिकुलर, तो ये फ्लूड हमेशा कंप्रेसिबल होगा या फिर इनकंप्रेसिबल होगा। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल अपना फील्ड फिनोमेना है, इसमें फील्ड पे डिपेंड करेगा अपना जो फील्ड में अपना जो प्रेशर चेंज है वो कितना हो रहा है, क्योंकि उस प्रेशर चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग अपना जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और डेंसिटी में चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है। वो सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो होगा, अगर वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है तो वो फ्लो अपना इनकॉम्प्रेसिबल होगा। और ये सिग्निफिकेंट चेंज अपन बोलते हैं 5% अगर चेंज आ रहा है किसी प्रेशर चेंज के कारण, अगर अपना वॉल्यूम या डेंसिटी में 5% चेंज आ रहा है तो उस फ्लो को हम 5% से ज्यादा आ रहा है तो उस फ्लो को हम कॉम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, और वहीं पर अगर अपना 5% से कम आ रहा है तो अपना वो फ्लो है वो इनकॉम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेरा फ्लूड में मेरा लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है, तो अगर मैं बात करूं फॉर लिक्विड मेरा क्या होगा कि मेरा लिक्विड में ऑलमोस्ट मैं देखता हूं कि लिक्विड में जब मैं 5% वॉल्यूम चेंज करवाने की कोशिश करता हूं तो मेरा जो डेल्टा पी आता है ना, डेल्टा पी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और ऐसा केस हम रियल फील्ड में रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि अपना जो लिक्विड है वो हमेशा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड ही कहलाया जाएगा, क्योंकि जिसमें इसमें जो रियल लाइफ में जो डेल्टा पी होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम में चेंज होता है फिर डेंसिटी में चेंज होता है वो ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, और वो हमेशा 5% से कम रहता है, इसलिए हम उसको लिक्विड वाले फ्लो को हमेशा इनकॉम्प्रेसिबल ही बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड को हम हमेशा इनकॉम्प्रेसिबल ही मान के चल रहे हैं। तो अगर लिक्विड के बारे में बात करूं तो मेरा जो डेल्टा रो बाई रो है वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा बीटा है वो भी जीरो होगा। डेल्टा रो बाई रो सही लिखाएगा,
या फिर डेल्टा पी बाई रो होगा, डेल्टा रो बाई डेल्टा पी, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेरी गैस के लिए, फॉर गैस, अब फॉर गैस में क्या होगा, गैस के केसेस में अगर सेम गैस अपनी कॉम्प्रेसिबल की तरह बिहेव कर सकती है और सेम गैस ही अपनी इनकॉम्प्रेसिबल की तरह बिहेव कर सकती है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस गैस की फ्लो वेलोसिटी क्या है, क्योंकि फ्लो वेलोसिटी अपन क्या निकालेंगे, प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, और उस प्रेशर डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग अपन देखेंगे अपना जो वॉल्यूम में चेंज या फिर डेंसिटी में चेंज है वो चेंज कितना हो रहा है। अगर वो चेंज अपना 5% से ज्यादा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये जो अपनी गैस है वो पर्टिकुलर गैस कॉम्प्रेसिबल गैस है, अदरवाइज वो गैस अपनी इनकॉम्प्रेसिबल गैस की क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक नॉन डायमेंशनल नंबर का यूज करते हैं, दैट इज मैक नंबर। तो अब बोलते हैं कि अगर अपना मैक नंबर 0.33 से कम है तो अपना जो गैस होगा वो इनकॉम्प्रेसिबल होगा, अगर अपना मैक नंबर 0.33 से ज्यादा है तो अपना जो गैस है वो कॉम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं गैसेस के लिए बात करूं तो मेरा जो डेल्टा रो बाई डेल्टा पी है वो नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो अगर मेरे को कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल डिफाइन करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक मेक नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मेक नंबर मेरा लेस देन 0.33 है तो मेरा जो गैस है वो कॉम्प्रेसिबल होगा, सॉरी इनकॉम्प्रेसिबल होगा। अब ये मेक नंबर क्या होता है, मेक नंबर वी बाई सी, हम वी बाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी क्या होता है अपना वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एंड सी क्या होता है अपना, सी को अपन बोलते हैं एक्वास्टिक वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो ये V बाई सी का रेशियो है उसको हम मेक नंबर बोलते हैं। ठीक है, और C की वैल्यू हमें देख, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था क्या होता था अपना अनरूट में K बाई रो, K क्या होता था अपना बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस डिवाइड बाई डेंसिटी का रेशियो है, उसका अनरूट करेंगे तो वो अपना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके देखूंगा कि अगर मेरा एयर है, एयर एट एसटीपी में मेरा अगर देखूं तो मेरा जो सी की वैल्यू वो कितनी आएगी, 330 आएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी आती है, 330 मीटर पर सेकंड होती है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मेरी एयर की वेलोसिटी 110 से कम है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो फ्लो है वो एयर का इनकॉम्प्रेसिबल है, क्योंकि इसके क्रॉसपॉइंट अगर मेरी वेलोसिटी 110 से कम है तो जो मेरा मेक नंबर है वो हमेशा 0.33 से कम रहेगा। और वहीं पर अगर मेरी वेलोसिटी ऑफ एयर 110 से ज्यादा है तो मेरा क्या मेक नंबर क्या आ जाएगा, 0.33 से ज्यादा आ जाएगा। अगर मेरा मेक नंबर 0.33 से ज्यादा है तो मेरा जो फ्लो है वो एयर का कॉम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक सबको क्लियर है कि अपना कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो कैसे बताएंगे। तो लिक्विड में तो हमेशा अपना फ्लो क्या होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होगा। और वहीं पे अगर अपन गैस में बात करें तो अगर अपना मेक नंबर लेस देन 0.33 है तो अपना फ्लो है वो इनकॉम्प्रेसिबल होगा, और अगर अपन मेक नंबर अपना अगर ग्रेटर देन 0.33 है तो अपना जो फ्लो है वो गैस का कॉम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखो, सिंस डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इन्वॉल्व्स चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, हम देखते हैं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा रो, डेल्टा वी बाई डेल्टा पी। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि अपना जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो अपना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो, या फिर जो अपना वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंट एंट्रोपी पे हो। तो ऐसे केसेस में अगर अपना देखें कि अपनी कॉम्प्रेसिबिलिटी की वो क्या क्या वैल्यू हो सकती है तो देखते हैं। सिंस द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इन्वॉल्व्स चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, hence the compressibility can be isothermal, isothermal कैसे हो सकती है, जब अपना जो volume change हो रहा है वो at a constant temperature हो रहा है। ठीक है, where volume change takes place at constant temperature, और isoentropic where the volume change takes place at constant entropy, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अपना दोनों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहला केस लेता हूँ, अगर मेरी compressibility at constant temperature, that is isothermal compressibility of gas, तो अगर मैं isothermal compressibility of gas निकालना चाहता हूँ तो उसका क्या एक्सप्रेशन होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा बीटा का एक्सप्रेशन क्या होता था, बीटा का एक्सप्रेशन होता था मेरा डेल रो बाई रो डिवाइड बाई डेल पी, या फिर मैं बात करूं तो माइनस डेल वी बाई वी डिवाइड बाई डेल पी। ठीक है, तो अगर मैं अगर मेरा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मैं आइडियल गैस फ्लो से क्या बोल सकता हूँ, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और मुझे पता है जो मेरा वॉल्यूम होता है वो m डिवाइड बाई रो होता है, तो अगर यहाँ से मैं p और v को क्या लिख सकता हूँ, मैं m बाई रो लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो अगर यहाँ से मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा क्या आ गया, पी बाई रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करने में मेरा क्या आएगा, मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, मैं प्रोडक्ट रूल लगा कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पी को पी का डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा क्या आ गया, डी पी आ गया, और रो को मैंने ऐसे ही रखा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पी को ऐसे ही रख रहा हूँ और रो का डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो रो का डिफरेंस क्या आया, माइनस वन बाई रो स्क्वायर डी रो इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा जो डी रो बाई रो है वो डी पी बाई पी आ जा रहा है। ठीक है, तो डी रो बाई रो है उसकी वैल्यू अपनी डी पी बाई पी आ गई। तो अगर मैं यहाँ से बल्क मॉडुलस या फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी, अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी एक्सप्रेशन लिखता हूँ या फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी एक्सप्रेशन देखता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, बीटा की एक्सप्रेशन, बीटा इज इक्वल टू डी रो बाई रो की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी रो बाई रो की जगह मैं डी पी बाई पी लिख दूंगा, डी पी बाई पी डिवाइड बाई डी पी। तो यहाँ मेरा बीटा है वो वन बाई पी आ गया। ठीक है, तो ये जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी बीटा है वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। तो अगर अपने को प्रेशर दे रखा है कहीं पे भी और अपने को पूछा है कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगी गैस की, तो अपन सीधा क्या करेंगे, उस प्रेशर का इन्वर्स कर देंगे, तो वही अपनी आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी हो जाएगी। और अगर वही बात करूं मैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की, तो के क्या हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू पी, सिंपल उस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना, अगर अपनी जो एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंट रहती है, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रही, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपना सिस्टम और सराउंडिंग है उसके बीच में हीट का एक्सचेंज जीरो हो रहा है, हीट का एक्सचेंज जीरो हो रहा है, दैट मींस अब जो अपना प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, अपना हीट ट्रांसफर जीरो होता है और उसको अपन कॉन्स्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो आइसोएंट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस निकालते हैं, या फिर अपन एडियाबेटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस निकालने के लिए हमें पता है कि हम जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो क्या होता था, वो होता था अपना पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेर गामा क्या होता था अपना, गामा होता था अपना सी पी बाई सी वी, वो सी पी और सी वी क्या था, सी पी क्या था अपना जो प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सी वी क्या था प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों का रेशियो है जो सी पी और सी वी का, उसको हम गामा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने ट्वेल्थ क्लास में देखा था कि अपना जो पी वी की पावर गामा है वो कॉन्स्टेंट रहता है अपना एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी एडियाबेटिक प्रोसेस में, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बीटा का एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरा बीटा क्या होता था, बीटा मेरा डेल रो बाई रो डिवाइड बाई डेल पी होता था। ठीक है, तो मैं यहां से डेल रो बाई रो की एक्सप्रेशन पहले निकालना चाहूंगा। तो जैसा कि मुझे पता है कि मेरा जो मास का एक्सप्रेशन क्या होता है, मास क्या होता है रो इंटू वी, हाँ मास इक्वल रो इंटू वी, तो मैं वॉल्यूम को यहां से क्या लिख दूंगा, पी इंटू मास डिवाइड बाई रो की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और मुझे पता है कि मेरा मास कॉन्स्टेंट है, तो यहां से मैं अगर और सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा आ जाएगा पी डिवाइड बाई रो की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एम की पावर गामा है, उसको मैंने कॉन्स्टेंट के साथ लाके और दूसरा नया कॉन्स्टेंट बना दिया, तो यहां से मेरे पास आ गया पी डिवाइड बाई रो की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं और मैं प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, सबसे पहले मैंने पी को डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा क्या आ गया, डी पी डिवाइड बाई रो की पावर गामा प्लस, अब मैं इस पी को ऐसे रख रहा हूं और मैं रो वन अपॉन रो की पावर गामा को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो माइनस गामा बाहर आ जाएगा और रो की पावर गामा प्लस वन हो जाएगा एंड डी रो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं यहां से तो मेरे पास क्या आएगा, देखो जो डी रो बाई रो है यहां से क्या आ जाएगा, डी रो बाई रो इज इक्वल टू वन बाई गामा पी इंटू डी पी बाई पी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन। तो अगर मैं यहां से बीटा निकालना चाहूं तो बीटा मेरा क्या था, बीटा क्या था मेरा डी रो बाई रो डिवाइड बाई डी पी, और डी बाई रो डी रो बाई रो की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन गामा पी इंटू वन अपॉन वन अपॉन गामा आएगा यहां पे सिर्फ वन अपॉन गामा इंटू डी पी बाई पी डिवाइड बाई डी पी। ठीक है, तो अगर मैं बीटा का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा मेरा, डी पी से डी पी कट जाएगा, वन बाई गामा इंटू पी। ठीक है, तो जो मेरा एडियाबेटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो आ जाएगा वन अपॉन गामा पी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं मेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एट
इन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो के एडियाबेटिक में रख के आ जाएगा सिंपली मेरा इसका इसका रिवर्स हो जाएगा बीटा का, तो वो आ जाएगा अपना गामा इंटू पी। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है कि अपना जो एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी वो वन अपॉन गामा पी आती है, और जो अपनी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी वो आती है वन अपॉन पी। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है, ये हमारी कंप्रेसिबिलिटी भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली फ्लूइड प्रॉपर्टी बढ़ेंगे आगे, जो कि अपनी है विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए लिक्विड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.87 एस दे रखा है 0.87। ठीक है, अंडरगोज ए रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ 0.11%। रिडक्शन इन वॉल्यूम, तो मतलब रिडक्शन इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी दे रखा है अपने को, रिडक्शन दे रखा है दैट मीन्स माइनस आएगा साइन, या फिर माइनस यहाँ लगा दो, उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 0.11%। और या फिर अगर मैं बात करूँ परसेंटेज में बात ना करके बात करूँ मैं ऐसे, तो 0.0011% आ गया डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, और वेन सब्जेक्टेड टू एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 1500 केपीए, तो अपने वो डेल्टा पी है वो 1500 केपीए दे रखा है। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है पहले तो क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एंड सेकंड निकालना है अपने को वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन दिस मीडियम। तो दोनों ईजी है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बीटा क्या होता है, बीटा की एक्सप्रेशन क्या होती है, माइनस डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा पी। अगर मैं डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 0.0011, और डेल्टा पी मेरा क्या हो जाएगा 1500, और केपीए में अगर मैं नहीं लिखना चाहूँ, मेरा पास्कल में लिखना चाहूँ, तो मेरा क्या 10^3 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आपको पहले खुद से सोल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो यहां से मेरी आती है जो बीटा की वैल्यू है वो 7.33 × 10^-10, और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट जो प्रेशर का यूनिट रहता है उसका रिवर्स हो जाएगा। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, तो यहां से मैं देख सकता हूं जो मेरा बीटा है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो कर रहा है, दैट मींस जो ये अपना लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, कुछ भी लिक्विड ही है, तो वो लिक्विड अपना इनकम्प्रेसिबल आएगा। ठीक है, वहीं पे मैं अगर बात करूं वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन की, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है मेरा, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन मीडियम, तो सी का वैल्यू आता है अनरूट के बाई रो। ठीक है, तो मेरा के क्या दे रखा है, के क्या होता है, वन अपॉन बीटा होता है, तो मैं इस बीटा को जस्ट रिवर्स कर दूंगा, तो बीटा को मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा, क्या आ जाएगा मेरा 1/7.33 × 10^-10, ये मेरा के हो गया, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रो मेरा क्या हो जाएगा 998, ये हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो जो अपनी स्टैंडर्ड फ्लूड क्या हो गया, वाटर हो गया, उसकी डेंसिटी क्या होगी 998 × मैं अगर 0.87 कर दूंगा, तो मेरा जो ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड निकालूं तो क्या आएगी मेरी, इस लिक्विड में मेरी जो इसकी वैल्यू है वो 1/7.33 × 10^-10 × 998 × 0.87। तो यहां से मेरी जो वेलोसिटी है सी है, साउंड की वेलोसिटी है वो 1253 m/s आ गई। जैसे कि अपने एयर में क्या आती थी रफली 335 के आसपास आती थी मीटर पर सेकेंड, तो इस लिक्विड में जो अपनी वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है वो अराउंड आ रही है 1253 m/s। ठीक है, तो यहां तक अपन ने आज के लेक्चर में पढ़ लिया है, और आगे के लेक्चर में हम विस्कोसिटी को कंटिन्यू करेंगे, जो अपना नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी है दैट इज विस्कोसिटी, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।